ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, ये जैसी आजकल है ये ऐसी नहीं कभी। ये दुनिया जैसी भी है ऐसी ही थी ऐसी ही रहेगी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की। आप सोचे जितना बस फर्क इतना, कभी ये थोड़ा ज्यादा कभी वो थोड़ा कम, कभी इसकी चली ठोस कभी उसकी धमाधम। खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत, तेरे मुंह पे ये तेरी सी कहेगी, मेरे मुंह पे ये मेरी सी कहेगी, ये ऐसा भी कहेगी ये वैसा भी कहेगी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, ये जैसी आजकल है ये ऐसी नहीं कभी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की। थोक के भाव उठा के ला रहे हैं, सस्ते पड़ गए क्या? जी नहीं, ये हमारे गांव का कुटीर उद्योग है। सब बच्चों को झील दिखा के ला रहे हैं। अब तो गांव भर के बच्चों को सारी जिंदगी तूने ही अपने कंधों पर उठाना है, और बन गांव भर की भाभियों का लाडला देवर। चलो बच्चा लो, बैठो अंदर। चाचा की गाड़ी को बाप की गाड़ी समझो। शाबाश पंचायत। चलो चलो चलो, दरवाजा बंद करना। ए देख लेना दरवाजा बंद हो जाए, नहीं तो एक आदमी गिर पड़ा ना तो वापस आना पड़ेगा लेने के लिए। उसलो बेटा उसलो, खूब गाओ। क्या वो मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, बोलो मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। ओ रण छोड़ दास जी, कहाँ भागे जा रहे हो? राधे श्याम, अरे होई क्यों पंटाधार, अरे भाया भागो, थारी दुम दबा के भागो। अरे वो कई सेठ जी, कुछ मने भी तो बताओ। के जमाना आ गयो, बाहर से आए वो भी डाकू, गांव में बसे वो भी डाकू। डाकू? हाँ डाकू। हमारा गांव क्या इतनी प्रगति कर गया कि डाकू डाका डालने आने लगे? खून पे खून करूंगा, बंदूक पे बंदूक चलाऊंगा, धूमधाम करवा गांव में। गांव वालों, आंख खोल के देख लो और कान खोल के सुन लो, मैं जंगल सिंह हूँ, जंगल सिंह डाकू, जंगल सिंह मंगल सिंह का चेला हूँ मैं, और वही गैंग है हमारी। जाओ, सारा माल बत्ता साफ से निकाल कर हमारे चरणों में धर दो। देख रहे हो ये सिगरेट लाइटर? पूरे गांव को जला कर राख कर दूंगा ठाकुर। चलो सारी जवाब बुझी माल मत्ता लाकर धर दो यहाँ। मेरे पास ये है सरदार, बीड़ी का बंडल। कितने आदमी है रे? वो भी बता देंगे, लेकिन पहले नीचे उतर के उस्ताद के चरणों में बंदूक रख दे और इनके पैर छू। अरे मैं क्यों पैर छू? अरे मैं डाकू जंगल सिंह हूँ, डाकू जंगल सिंह, दांग करके गोली मार दूंगा। गोली मार देगा? अबे अब तक वो पेपरमेंट की गोली किसी कारखाने में बनी ही नहीं जिसे हम खा सके। जंगल सिंह, कब से चेला बना मंगल सिंह का? अबे नीचे उतर, यही असली मंगल सिंह जी है, पैर छू। अरे जा, अरे डाकू मंगल सिंह तो जेल की हवा खा रहा है। जंगलू बेटा, जब तू डेली पेपर पढ़ता ही नहीं है, मेरा मतलब तू पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो फिर तू डकैती के धंधे में आया क्यों रे? तुझे ये भी नहीं मालूम
मंगल सिंह जी जेल की दीवार फांद चुके हैं। अब बंदूक पकड़ने की तमीज नहीं है, चले डाकू बनने लाइडर। कहाँ से लिए? छुट्टन से? जी। ठगा आ गए बच्चा, ठगा आ गए। तुम छुट भैयों को और देगा भी कौन? और सुन, ये माल नकली है। माफ कर दीजिए उस्ताद। भाई निहाल, तुम्हारा भी कमाल है, बहादुरी का कोई ना कोई कारनामा 6-8 महीने में कर ही देते हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, इस कमबख्त को तो बुरी आदत पड़ गई है कि बहादुरी का कारनामा किए बिना इसे रोटी नहीं हजम होती। इसीलिए सरकार से तुम्हें बड़ा इनाम देने के लिए लिखेंगे। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी मानिए तो ये सब रहने ही दीजिए। क्यों भाई, आप गवर्नमेंट को इनाम के लिए लिखते हैं, गवर्नमेंट फेर के जवाब नहीं देती है, आपकी बात जाती है और हमारे दिल को तकलीफ होती है। हाँ देखो, इस वक्त हम वर्दी में बैठे हुए हैं, तुम हमसे गवर्नमेंट की बुराई तो करो ही मत। देखो, जहाँ बड़े बड़े काम होते हैं वहाँ किसी छोटे से काम में 4 दिन ज्यादा लग गए तो इसमें माथा गर्म करने की क्या जरूरत है। अरे भाई, तुम में से निहाल चंद कौन है? जी मैं हूँ। चिट्ठी आ गई, लगता है कि मौसी की लड़की की शादी हो गई पक्की। अच्छा, अरे चिट्ठी नहीं रजिस्ट्री आई है, चलो इधर साइन करो। अच्छा अच्छा भाई, ये रजिस्ट्री भी डाक से आने लगी आजकल। ये लो। कहाँ? यहाँ, यहाँ पे लीजिए, लाइए। ये लो। सरकारी मामला लगता है खुल जा सिम सिम, खुल जा। किसकी चिट्ठी है? ये हिंदी में है, नहीं तो मैं इसे पढ़ ही लेता। मालूम है, मालूम है, इधर दे। क्या लिखा है? अरे पोड़म, सरकार ने तुझे 21,000 रुपए इनाम देने का फैसला किया है। मुझे? हाँ। 21,000 का इनाम? कहाँ इनाम? ये तो खाली है, पोस्टमैन साहब, मेरा इनाम कहीं खाली है बाबा, ये देखिए। अरे ये घोषणा है, इनाम लेने तुम्हें ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ जाना पड़ेगा? हाँ। जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। भैया सरकार है बड़ी तेज चुनती को, अभी अभी डाकू पकड़वाए और फटाफट इनाम भेज दिया। ये इनाम तुझे डाकू पकड़वाने का नहीं मिला है, ये तेरे को किसी और काम की वजह से मिला होगा। किसी और काम? 21,000 के लायक कौन सा काम किया मैंने? कुछ गड़बड़ है इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, आप जरा इनाम को कम करवाइए। अरे गड़बड़ी तुम्हारे दिमाग में है, सरकार तुम्हें फिराक दिली से दे रही है, तुम्हें इस पर विश्वास ही नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, हम करें क्या? अब इसमें सोचने की क्या बात है, लपक ले हेड ऑफिस और ले अपना इनाम। अरे निहाल बेटा, इनाम पाने की खुशी में इतना उछलो मत, जाओ प्रभु के दर्शन करके आओ, जाओ। हमें भी यही लग रहा है जमाल, पर हम करें क्या? अरे पहले अपना इरादा सोचो कि तुम क्या चाहते हो, ऐसे बौखलाए बौखलाए घूमोगे तो जो भी मिलेगा वही रास्ता दिखा देगा। लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू होती है। हा? और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जल्दी वही बनने वाले हो। अरे लगता हमें भी यही है कि उल्लू बन के ही रहेंगे। हमारा बस चले तो पूरे 21,000 की जमीन ले ले। हमारी बात मानो तो तुम गवर्नमेंट से सीधी साफ सी बात कर लो कि जी हमें आपकी नकदी नहीं चाहिए, उसकी जगह पे आप हमें जमीन ले दो। अरे वाह जमाल भाई वाह, क्या दिमाग पाया, गजब। हम तो सरकार से अब यही कहेंगे कि भाई हमें 21,000 की जमीन दे दो, नकदी नहीं चाहिए। गांव के कुछ लोगों को नाउमीदी जरूर होगी, पर कुल मिलाकर तुम अकलमंदी साबित होगे। अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ, सबका मेरी राम राम। अरे अरे चलो, कुएं तक छोड़ा है। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। कोई नहीं आगे छोड़ने, मैं जाऊंगा अकेला। राम राम। अरे बबुआ, शहर में ठीक से रहना। क्या हुआ? मर गए। अरे जिस झटके से बंद हुई है ना, अब तो ये लंबाई जाएगी, इतनी जल्दी नहीं चालू होने वाली। धक्का लगाना पड़ेगा, इधर धक्का लगाना। क्या? अब ये रास्ते में खराब हो गई तो हमारा क्या कसूर है? अब तुम दोस्ती निभाओ और जरा धक्का लगाओ। क्या यार, ओ ये कहाँ फंस गए हम, इससे अच्छा तो बस से निकल जाते। और इतनी बड़ी गाड़ी हम अकेले धक्का कैसे लगाएंगे? अरे ओ राजा साहब। पिताजी, सॉरी पिताजी,
नमस्कार। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो पिछले तीन घंटे से इसी के साथ? अरे जाओ, और काम बहुत है, जाओ और काम करो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारे हुक्म देने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई, एक जमाने में हम भी राजा थे, और हमारे पिताजी के जमाने में जो अगर कोई हमारा हुक्म नहीं मानता था तो उसकी खाल उखेड़ कर हम दीवार पर टांग देते थे ऐसे। क्यों? लेकिन आज कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ नहीं सुनेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। कितना सारा इंतजाम करना है, चेयर्स लगानी है, पंडाल खड़ा करना है, टेलीफोन, ओ भगवान, कोई कुछ नहीं सुनेगा। पापा, पापा आप यहाँ कहाँ बैठे हैं? सिंहासन पे बैठे हैं, राजा लोग हमेशा सिंहासन पे ही बैठते हैं। आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा, नहीं बेटी, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ समय पर हो रहा है। टेबल लग गया है, चेयर्स लग गई, पंडाल लग गया है, अरे हमारी राजकुमारी का बर्थडे है। शान से होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने भले ही हमारे अधिकार छीन लिए हैं, लेकिन राजकुमारियों के अधिकार तो नहीं छीने। बेटी तुम्हारा बर्थडे होगा और शान से होगा। मगर इतना सब करने की जरूरत क्या है पापा? खर्चा होता है, बेकार तड़क भड़क अच्छी नहीं लगती, मुझे आपका ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। परंपरा बेटी, परंपरा, राजवंशी परंपरा। तुम्हारा बर्थडे शान से होना चाहिए। आता तो कोई नहीं है सिवाय मेरी सहेलियों को छोड़ के। अरे वो हमारी सहेली सुरेखा आई है। योर फ्रेंड, योर एडवोकेट फ्रेंड सुरेखा। चलो चलो बेटी चलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। ओह आई एम सॉरी बेटी, ये तो तुम्हारे लिए है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे अरे, खानदान की गाड़ी आ गई, खानदानी गाड़ी। अजीब अहमद ड्राइवर है, स्कूटर का सत्यानाश कर दिया। जी मैं क्या करूं, गाड़ी को धक्का तो वो लगा रहा था ना। ब्रेक तो लगा सकते थे, मगर वो तो लगते लगते ही लगेगा। नहीं सुरेखा बेटी, इस गाड़ी के ब्रेक नायाब है, ये सिर्फ खुदाई में मिल सकते हैं, जमीन पे नहीं मिलते। लेकिन इस गाड़ी का पेट्रोल तो मिल सकता है, धक्के लगाते चले आ रहे हैं, कितनी शर्म महसूस होती है। मैं कह देती हूँ अंकल, ये आपकी गाड़ी कभी किसी के हाथ पैर तोड़ेगी। और इसी को लेकर तुम हमसे मुकदमा लड़ोगे? अरे नहीं बेटी, हमारी ये गाड़ी बहुत ही नाजुक गाड़ी है, ये किसी के हाथ पैर क्या तोड़ेगी, क्यों जवान? जी सर। अरे हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी शुभांगिनी के बर्थडे पर हमारी खानदानी गाड़ी वापस आई है। ये गाड़ी ऐसी है, किसी के पास जाएगी तो वो फौरन वापस कर देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे कौन है ये? ये निहाल है, हमारे गांव का है सरकार, आप ही की प्रजा है। जीत रहे हो बेटे, बड़ा बहादुर है, पूरे रास्ते गाड़ी को यही धकेलता लाया है। गाड़ी को धक्का लगाना कौन सी बहादुरी है? इस गाड़ी को लगाना है। सरकार ने इसे बहादुरी दिखाने पर 21,000 रुपए का इनाम दिया है। क्या बात करते हो, हमारी गाड़ी को धक्का लगाने में 21,000 रुपए का इनाम? वाह भाई वाह, सरकार ग्रेट है। नहीं हुजूर, इस पर तो नहीं, पर हमारे किसी न किसी कारनामे पर मिला जरूर है। देखिए, अरे वाह, मुबारक हो बेटे, मुबारक हो। अरे वाह वाह, अरे वाह, वाकई में इसे सरकार का इनाम मिला है। वाह कमाल है बेटे, लगता है सचमुच सरकार तुम पर बहुत खुश है। हुजूर हमने कभी सरकार को देखा तो नहीं है, लेकिन लगता हमें भी यही है। बेटे हम, जी हम, बेटे हम, हम 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 है, और तुम? मैं हूँ। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमने कभी, मैंने कभी सरकार को देखा तो नहीं है, लेकिन लगता तो मुझे भी यही है। क्या है कि सरकार आजकल हमारी नकल करने लगी है, हम जब राजा थे तब हम भी नाम दिया करते थे। अब वो किसको नाम दिया था, क्या नाम था उसका बेटी? ओफो, ये सब बातें बाद में होंगी, पहले ये बताइए स्कूटर कौन उठाएगा? चल निहाल, आजा, चल। बड़ा होनहार लड़का है, बड़ा होनहार लड़का है। उठाओ उठाओ, आते घुसते बेइज्जती करवा दी ना। लगाओ धक्का लगाओ, आजा संभाल के, संभाल के जमा। आते निहाल, गाड़ी को संभालना। हां जी, ये पीछे देंगे। हां पीछे से ठीक है। देखिए ऊपर वाले।
वाले की मेहरबानी से इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लो अंकल, मैं चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ पापा, मैं जा रही हूँ। बेटी तुम कहाँ जा रही हो? अरे तुम्हारी बर्थडे है बेटी। चलो मेरे बहादुर, बहुत सारा काम बाकी है, चलो काम करते हैं। बहुत बहादुर है। जल्दी जल्दी, काम नहीं हो रहा। अरे बेटे ये ट्रंक उठा लो, ट्रंक उठा लो। अरे ये बैठने की जगह, यहाँ पे ट्रंक किसने लगाया? अरे संभालो, पैर संभालो। कुछ नहीं होगा यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। संभाल के बेटे, संभाल के। मत रखो मेरे पैर पे, पैर मत रखो। कुछ नहीं होगा यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। देख ध्यान से, बहुत भारी है, क्या रखा है इसमें राजा साहब? ए जमाल क्या बोल, मुझे दफ्तर जाना है यार। क्यों भाई? वो गवर्नमेंट से 21,000 रुपए लेने, फिर दफ्तर बंद हो जाएगा ना। तू ऐसे कर, फिर तू जल्दी हो क्या? अभी यहाँ बहुत काम पड़ा है। मैं यहाँ पर वापस नहीं आने वाला, मैं अब जाऊँगा सीधा गाँव। जल्दी, अरे तुम लोग यहीं पे हो? बहुत भारी है सरकार। अरे क्या भारी है मैं दिखाता हूँ। ट्रंक पकड़ने का एक तरीका होता है, एक आर्ट होता है। देखो ये हाथ यहाँ रखा। प्रणाम प्रणाम सरकार। जिधर हो बेटे, यहाँ पकड़ा और देखो देखो, अब भारी लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? अरे अरे वो कहाँ चला गया? वो बहादुर है। बहादुर है, लेकिन वो क्या नाम है उसका? बहादुर निहाल। बहादुर निहाल। अरे रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। ये ट्रंक का मैं क्या करूँ? कार्यालय। अरे ओ भैंसा पलटन, काम मुंह ऊंचा उठाए चले जा रहे हो हैं? साहब जी, ये इनाम का रुपया आप ही देते हैं? हम किसी को देते नहीं, लेते हैं। बीड़ी है? हम पान बीड़ी का शौक नहीं रखते हैं साहब। बिना शौक के जो दफ्तरों में काम कराने आते हैं, उनका तो ऊपर वाला ही मालिक। गांव के हो क्या? जी। शक्ल बता रही है। साहब जी, ये बताइए, आपके इस कागज पर रुपया यही मिलेगा? एक कागज पर रुपया नहीं मिलता है, इसकी मोटी फाइल बनती है। कई बार तो उसके बाद भी नहीं मिलता। फाइल? ये क्या होता है साहब? फाइल? अरे समझते समझते समझ जाओगे। जाओ अंदर जाओ, बाबू से बात करो, जाओ। समझते समझते समझ जाओगे। जमाल भैया की गाड़ी का ब्रेक हो गया, लगते लगते ही लग जाएगा। बड़े साहब टूर पर गए। टूर? दौरा दौरा। छोटे साहब? उनका तबादला हो गया, वो उसे रुकवाने गए। और छोटे साहब? वो छुट्टी पर गए। साहब? हाँ बोलो। साहब जी, ये चिट्ठी मिली हमें कुछ दिन पहले, और इस कागज के मुताबिक एक इनाम हमें। अच्छा अच्छा, तो तुम ये कागज हमें पकड़ा दोगे और हम इनाम तुम्हें दे देंगे है? जी। बड़े बोले हो, क्या नाम है तुम्हारा? निहाल। सबूत? सबूत तो नहीं है हमारे पास। अरे भाई देखो, तुम्हारे माथे पर तो नहीं लिखा है ना कि तुम्हारा ही नाम निहाल है? कोई ना कोई सबूत तो होना ही चाहिए। जी हम समझे नहीं। नहीं समझोगे, ऐसा करना परसों आना, सब समझा देंगे समझाने वाले। परसों? हाँ, कल छुट्टी है, बैंक हॉलीडे। दफ्तर बंद करूँ साहब? हाँ। मगर साहब जी, हम तो आज ही अपना इनाम लेकर गांव वापस जाने की सोच रहे थे। अरे आज जाने की सोचोगे तभी ना साल आखिर तक जा पाओगे। चलो भाई तुम दफ्तर बंद करो। अच्छा सर। Thank you.
को जोड़ा थी अंकल। थैंक यू बेटे, थैंक यू। अगले साल जब हमारी बेटी की बर्थडे पार्टी होगी तो उसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। अगले साल इनविटेशन कार्ड पर राजकुमारी के नाम के आगे लिखा होगा डॉक्टर। बाय बेटे, थैंक यू फॉर कमिंग। डॉक्टर राजकुमारी शिवांगी। राजकुमारी नहीं, सिर्फ डॉक्टर, डॉक्टर शिवांगी। पहले रिजल्ट्स तो आ जाने दो। हाँ बेटी, तुम पास होगी और अच्छे नंबरों से पास होगी। आप सही कह रहे हैं अंकल, इतना ऊंचा भी स्टैंडर्ड नहीं है कि ये पास ना हो। बेटी सरिता सुनो, एक मिनट सरिता बेटी, मुझे तुम्हारा फ्रैंक ओपिनियन चाहिए। आज की पार्टी तुम्हें कैसी लगी? आप तारीफ सुनना चाहते हैं? नहीं नहीं, तो तुम्हारे दिल में जो है वो हमें बताओ। अंकल, मुझे इस तरह की फिजूल खर्ची पसंद नहीं। इस तरह की पार्टी करना रुपयों की बर्बादी है। अरे भाई, हमारी बेटी का बर्थडे है, हमारी भी कुछ भावनाएं हैं। तो फिर ढंडोरा क्यों पीटते हैं? और क्या, और मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जिसका बर्थडे मना जाए और केक काट कर उसका हैप्पी बर्थडे किया जाए? अब तुम दोनों तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई। आपने तो फ्रैंक ओपिनियन मांगे थे, सो मिल गए। वैसे पार्टी बहुत अच्छी थी। अब यही बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? सब काम हो गया सरकार, और कोई हुकुम? अरे जमाल बेटे, तुमने तो आज कमाल कर दिया। बहुत मेहनत की तुमने। थैंक यू सर। अरे वो तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? वो वही जो तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठकर गांव से आया था? वो निहाल है। अजी, उसे तो अगर इनाम की रकम मिल गई होगी तो वो गांव वापस चला गया होगा। अरे उसे पार्टी के लिए तो रोक लेना था। अंकल मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई। हाँ चलो चलो बेटी, आज हम तुम्हें हमारी गाड़ी में छोड़ते हैं। नहीं अंकल, मैं आपकी इस खटारा गाड़ी में नहीं आऊंगी जिसे बीच रास्ते में धक्के मारने पड़ते हैं। नहीं नहीं बेटी, हमारी गाड़ी अच्छी है। जमाल दूसरी गाड़ी निकालो जी। अब तुम ड्राइवर की किरदार में आ जाओ। 24 घंटे ड्राइवर तो रहता है। अरे अरे निहाल, तू कौन है, क्या यहाँ कहाँ घूम रहा है रात रात में? हम दफ्तर गए थे, वहाँ कोई साहब थे नहीं, एक बाबू था, बोले परसों आइएगा। तो यहाँ क्यों घूम रहे हो, घर पे नहीं आ सकते थे? अब इतनी रात गए, हमने सोचा कि आप जैसे बड़े लोगों को क्यों परेशान करें, अच्छा नहीं लगता है ना। अरे कमाल करते हो। अरे तुम हमारी प्रजा हो, हम तुम्हारे राजा हैं, तुम हमारे साथ रहोगे। जब तक तुम्हें तुम्हारा इनाम नहीं मिलता तुम हमारे साथ रहोगे। गजब की ये दुनिया, गजब की ये जैसी आज कल है ये ऐसी नहीं कब थी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, तेरे मुंह पे ये तेरी सी कहेगी, मेरे मुंह पे ये मेरी सी कहेगी, ये ऐसा भी कहेगी ये वैसा भी कहेगी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की ये जैसी आज कल है ये ऐसी नहीं कब थी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की। Thank you.